हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्राप्ति किचन कॉर्नर। तो चलिए बनाते हैं मेरी फेवरेट पंजाबी कढ़ी। तो सबसे पहले बनाएंगे पकोड़े। तो उसके लिए लिया है मैंने एक कप बेसन। अब बेसन में ऐड करेंगे अजवाइन, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, दरदरी कुटी हुई खड़ी धनिया, लहसुन और प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में कसूरी मेथी, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा और दही, और पानी डाल के इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। अब साथ में कढ़ी के लिए बैटर बना लेंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने 3 glass खट्टा वाला छाछ। उसमें मिलाएंगे 1/2 cup बेसन, 1 teaspoon हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर गुलठी पड़ जाती है तो छन्नी से छान लें। सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और छोटी छोटी सी पकौड़ियां बना लेंगे। कढ़ाई में फिर से 2 tablespoon ऑयल गरम करेंगे। अब उसमें डालेंगे राई, मेथी दाना, जीरा, खड़ी धनिया, लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, करी पत्ता, प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद में उसमें हल्दी और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। फिर उसमें जो मिक्सचर बना के रखा था वो डाल देंगे। अब कढ़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फुल फ्लेम में एक बॉईल आने देंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए थे। तो अब कढ़ी में ऐड करेंगे नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और 1 घंटे के लिए पकने देंगे। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अप्रोक्स 1 घंटा हो गया है, कढ़ी अच्छे से पक गई है। अब कढ़ी में तड़का लगाएंगे। वैसे ये ऑप्शनल है बट मुझे तड़का बहुत पसंद है। पैन में घी गरम करेंगे, उसमें राई, दरदरी कुटी हुई खड़ी धनिया, सूखी लाल मिर्च, जीरा और करी पत्ता डालेंगे। फिर इसमें ऊपर से देगी मिर्च डालेंगे और ये कढ़ी में ऊपर से डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का लग गया है। पकौड़े भी ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए बॉइल करेंगे। बस ये कढ़ी बनके रेडी हो गई है। सर्व करिए और एंजॉय कीजिए।